खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज गोवाणा और बड़ौदा हल्के की हमारी युवा जसपा की मीटिंग है और आने वाले दिनों में आपको भी भली भांति पता है बड़ौदा के अंदर जो उपचुनाव है, हरियाणा प्रदेश के युवाओं का चुनाव है ये। आज हम जसपा के एक एक युवा साथी की चुनाव के लिए आदरणीय सुमित राणा जी, युवा के जिलाध्यक्ष बैठे हैं भाई रवि जी और युवा हमारे हल्का अध्यक्ष बैठे हैं, इनकी सबकी जिम्मेदारी लगा के जाएंगे कि बूथ लेवल पर जसपा की अपनी टीमें मजबूत करने का काम करें ताकि जब भी चुनाव की डेट घोषित हो आने वाले दिनों में जसपा और बीजेपी इस गठबंधन के चुनाव में मजबूती से उस चुनाव को लड़ें और एक विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का काम करें। ये तो गठबंधन की बात है, बीजेपी अगर अपना उम्मीदवार उतारते और जेजेपी को मौका ही नहीं मिलता तो देखिए गठबंधन का उम्मीदवार होगा चाहे बीजेपी का लड़े चाहे जसपा का लड़े। आज हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार है, ये गठबंधन की सरकार और गठबंधन का ही हमारा कैंडिडेट होगा। आज तक एक बैठक तो साहब इकट्ठे नहीं हुई, चुनाव डिक्लेयर होने दो, बैठक भी इकट्ठी होंगे। वो अपने संगठन का काम कर रहे हैं, हम अपने संगठन का काम करें। संगठन लेवल पे अपनी अलग अलग मीटिंगें करनी होती हैं, लेकिन जब चुनाव डिक्लेयर होगा इकट्ठी बैठकें भी होंगी, हमारी सभाएं भी होंगी। अब क्या तैयारी है बड़ौदा को लेके और क्या आप प्लानिंग करी आपने, क्योंकि जेजेपी को एक युवाओं की पार्टी माना जाता है। जसपा का एक एक कार्यकर्ता आप कैमरा घुमा के देखिए चुनाव के लिए तैयार है और आने वाले दिनों में हमारी युवा जसपा का एक एक कार्यकर्ता इतना मजबूत है, पिछले दिनों में भी जो 10 सीटें जननायक जनता पार्टी में 10 महीने में जीती उसका श्रेय किसी को जाता है, हरियाणा के युवाओं को जाता है, युवा के कार्यकर्ताओं को जाता है। राणा साहब आप भी बैठे हो, क्या तैयारियां? तैयारी आप भी यहाँ गोहाना से लोकल हैं, मेरे से ज़्यादा तैयारियों के बारे में तो आप बता सकते हैं, मेरे को तो फिर भी सोनीपत से चल के आना पड़ता है। मैं आपको एक बात दावे से कह सकता हूँ कि आने वाला चुनाव गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा चाहे वो जेजेपी से हो चाहे बीजेपी से हो वो इस चुनाव को जीतेगा, और जो एक भ्रम भूपेंद्र हुड्डा ने यहाँ फैलाया हुआ था उस भ्रम को तोड़ने का काम ये चुनाव एक कांग्रेस पार्टी के कफन में कील होगी। बड़ौदा चुनाव गठबंधन का कैंडिडेट जीतेगा। जेजेपी की कितनी तैयारी है उम्मीदवार को लेकर? देखिए जेजेपी की अपनी पूरी तैयारी, हमारे हर रविवार को एक बार दिग्विजय चौटाला जी एक बार अजय सिंह चौटाला जी चार चार पांच पांच गांवों का दौरा करें और जिस भी गांव में अजय सिंह जी और दिग्विजय चौटाला जी जाते हैं वहाँ जनता का पूरा प्यार प्रेम उनको स्नेह और उनका आशीर्वाद मिलता है और जनता में एक जोश है कि आने वाला चुनाव जो आने वाला समय होगा वो जननायक जनता पार्टी और बीजेपी के गठबंधन का होगा।